400 साल पहले 16वीं सदी में बाबा के नाराम बहुत बड़े अघोरी हो गए भारत के वन ऑफ अगोरी अघोरी कहा जाता है ओम स्वामी ने ना सिर्फ माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन है लंबा मंत्र है बिल्कुल सबसे शॉर्ट समय में अगर कोई करने जाए गायत्री मंत्र तो कितना टाइम लग सकता के साक्षात दर्शन संभव है सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार तो उसके बाद अगर गायत्री मंत्र बोला भी नहीं फिर भी गायत्री मंत्र का पावर आपके पास है जस्ट थिंक अबाउट दिस जब आप किसी को गाली देते हो ना तब आप अपने पुण्य सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हो चार oh. सौ साल से एक दुनिया जल रही है जो मुझे ही नहीं है और ये कहा जाता है कि अगर वो बहुत आप कोई भी बीमारी में तो आपकी बड़े से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाती है पाराकॉम के साथ पहले भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस टी आर एस एपिसोड रिकॉर्ड हुआ है रिलीज हुआ है बढ़िया सुपर हिट एपिसोड था ब्लॉक बस्टर एपिसोड था वो मेरा ये आपसे वादा है कि ये वाला एपिसोड उससे ज़्यादा इंटेंस है इट्स पाराकॉम विद अ तंत्रा स्पेशल ओकल्ट स्पेशल ऑफ टी आर एस पारक ओम भाई फिर से आपका स्वागत है थैंक यू। पिछली बार काफी सारे लोगों को डरा दिया था आपने। <laughs> आ, इस बार थोड़ी सी अलग है पर बातें होंगी गहरी जी। कैसे ओके आ, मुझे इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करनी है आपके गुरु के साथ ओम स्वामी मैं बहुत चौक गया कि वो आपके गुरु हैं क्योंकि हाल ही में मैंने उनकी एक किताब पढ़ी थी गायत्री मंत्र को लेकर पर उसके जस्ट पहले मेरा एक लंबा फेज था जहाँ मुझे बिल्कुल स्पिरिचुअल किताबें मिल रही नहीं थी मतलब आई फील कि अगर आपकी खुद की लाइफ में स्पिरिचुअल चेज हो रही होती है फिर आप नॉलेज को भी चेज करने लगते हो और नॉलेज आपको किताबों से मिलती है पर हर स्पिरिचुअल किताब की नॉलेज आपके दिमाग में एंटर नहीं करती है क्योंकि आप एक किताब खोल लेते हो और तुरंत सब नॉलेज एंटर करने लगती है विच इज़ वाई मुझे स्पिरिचुअल रीडिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस होता है ख़ुद से और बहुत टाइम बाद मुझे एक बहुत तगड़ी स्पिरिचुअल किताब मिली जिसकी नॉलेज मेरे में बिल्कुल ईजिली एंटर हो गई और वो थी ओम स्वामी की किताब तो आई कॉन्ट इमेजिन कि आपकी लाइफ कैसी है आ, ओम स्वामी है कौन क्योंकि आई डोंट नो अगर लोगों ने उनके बारे में इतना सुना है या नहीं डेफिनेटली जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उन्होंने उनका नाम एज एन ऑथर सुना होगा मुझे पता भी नहीं था कि वो भारत में वो हिमाचल प्रदेश में मुझे पता भी नहीं था कि वो, वो भी एक तंत्र प्रैक्टिशनर है तो बताइए ओके आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ अगेन भाई ओम जयंती मंगला काली कपालिनी का दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते ओम श्रीमात्रे नम मैं अपने गुरु ओम स्वामी और आप सभी के अंदर विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं सो थैंक यू रणवीर फॉर इन्वाइटिंग मी या अगेन ओम स्वामी मेरे जीवन में एक ऐसा नाम है जिसके बारे में मैं जितना डिस्क्राइब करूं आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ रणवीर एकदम सही सलामत आपके सामने तो उनकी बदौलत उनके आशीर्वाद की बदौलत हम काफ़ी बार ये सवाल पूछते रहते हैं लोगों से कि क्या आपने भगवान को देखा है क्या आपने ईश्वर को देखा है क्या आपने माँ को देखा है ये सवाल का जवाब मुझे जिसके पास से मिला वो है ओम स्वामी क्योंकि ओम स्वामी ने ना सिर्फ माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन किए साक्षात इन अ फिजिकल फॉर्म सो so, मेरे जीवन में एज आई मेन्शन अलिया कि पंद्रह साल तक कोई गुरु नहीं थे मैंने बहुत सारे गुरुओं की किताबें पढ़ी बहुत सारे गुरुओं के बारे में यू नो you know, सर्च किया एक्सप्लोर किया उनके आश्रम में भी मैंने विज़िट किए लेकिन एक जो कनेक्शन आपकी आत्मा से बैठता है ना वो कनेक्शन नहीं था कहीं भी कट टू 2020 में कुछ पढ़ रहा था और मेरी पैरेलल एक किताब का रिसर्च चल रहा था श्री विद्या के ऊपर जो मैंने आपको एक नॉवल के बारे में बताया महासुर सीरीज़ के बारे में उस सीरीज़ की दूसरी किताब का भी रिसर्च पैरेलल चल रहा था उस टाइम पे और आई वाज रिसर्चिंग अबाउट श्री विद्या मोर एंड मोर आई वाज लर्निंग अबाउट इट आई वॉज़ यू नो रीडिंग अबाउट इट मैं उसके वीडियोज़ देखता रहता था बहुत सारे उस वक्त सबसे जो एक पहला मेरा परिचय हुआ स्वामी जी से वो था स्वामी जी की एक वीडियो यूट्यूब पे है जिसका नाम है श्री विद्या पार्ट वन मतलब उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स में श्री विद्या को समझाया हुआ है श्री यंत्र को भी समझाया हुआ है उसमें आई वाज यू नो मैंने उस वीडियो को देखना शुरू किया और उसके बाद जब पहला पार्ट ख़त्म हुआ दूसरा पार्ट खत्म हुआ आई डोंट नो हाउ बट मेरी आंखों में आंसू थे मैं शॉक्ड था लेकिन मुझे ये नहीं रियलाइज हुआ उस टाइम पे कि मुझे आंसू किस वजह से आए मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें काफ़ी बार होती है क्योंकि मैं जब भी कोई मंदिर में जाता हूँ जब भी मैं कोई स्पिरिचुअल प्लेस के ऊपर जाता हूँ जब भी मैं मैं कोई कथा सुनता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा डीपली स्पिरिचुअल है तब मुझे अपने आप में भाव विपुर मैं आंसू मुझे मेरी आँखों में आ ही जाते हैं अपने आप तो आई जस्ट थाट कि मुझे मैंने अपने श्री विद्या के बारे में मैंने अभी देखा हुआ है सुना हुआ है तो मुझे लगा कि ओके ये इसी वजह से आया हुआ होगा तो मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया उस टाइम पे देन आई केप्ट एक्सप्लोरिंग ओम स्वामी अगेन एंड अगेन थ्रू हीज वीडियोज़ ऑन यूट्यूब मुझे तब तक मैंने उसकी कोई किताबें नहीं पढ़ी थी देन 2021 में मैंने उनकी सबसे पहली किताब जो पढ़ी वो थी द एंशंट साइंस ऑफ मंत्रास और द एंशंट साइंस ऑफ मंत्रास में उन्होंने पूरा जो अपना मंत्रास का साइंस है जो उनके पीछे का एक नॉलेज है उनके पीछे का एक अंडरस्टैंडिंग है मंत्रा कैसे काम करते हैं क्यों काम करते हैं कौन सी विधियाँ रहती है रिचुअल्स कौन से रहते हैं साधनाएँ किस प्रकार की रहती है उसमें बीट्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब ए टू जेड सारी की सारी बातें उन्होंने वहाँ पे उस किताब के अंदर लिखी हुई है आई वॉज़ यू नो मैंने वो पढ़ना शुरू किया उसके बाद जैसे आपने अभी कहा कि इतना फ्लूंट राइटिंग है ना उनका कि आप को डाइजेस्ट करने में तकलीफ़ नहीं होती स्पिरिचुअलिटी को डाइजेस्ट करने में बाकी बहुत सारी किताबें ऐसी होती है जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने में यू नो सो एंशियंट साइंस ऑफ मंत्रास उसके बाद जस्ट लाइक यू मैंने द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्रा ये पढ़ी और उसके बाद मैंने पढ़ी इफ ट्रूथ बी टोल्ड जो उनकी मेमोर है रणवीर मैं जब उनकी मेमोर पढ़ रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट सॉरी यार आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट दर्स सेकेंडली हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बी ओ बैस एफ स्किल इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अप स्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स क्योंकि ये है बी ओबीम का कोर्स स्किल सेट बहुत सारे अप स्किलिंग कोर्सेस आ रहे हैं तो एटलीस्ट चेक आउट स्किल हाउस फॉलो आर यूट्यूब चैनल फॉलो आर इंस्टाग्राम पेज बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ एवरी चैप्टर मुझे रुला रहे थे मुझे इतना पता नहीं क्यों मैं भाव विपुर होके क्यों मैं इतना ज़्यादा मतलब आ, उनकी स्ट्रगल उसमें इतनी लिखी हुई है माँ को पाने की चाहत माँ के प्रति उनका प्रेम उनकी आस्था उनकी श्रद्धा वो ये स्तर की थी कि मुझे हमेशा पढ़ते वक्त यही लगता था कि आज की तारीख में भी कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि माँ के प्रति ईश्वर के प्रति इतना आस्थावान हो और उनके पास पहुंचने की उनके दर्शन करने की उनकी चाहत क्या इतनी ज़्यादा हो सकती है ये बात जब मैं पढ़ रहा था ना तब मुझे बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे हु इज ओम स्वामी वे उनका जन्म पटियाला में हुआ और ही वॉज़ दैट काइंड ऑफ यू नो स्पिरिचुअल कि जैसे हमने पहले के पॉडकास्ट में बात की कि कुछ आत्माएं अपने पूर्व जन्म के पुण्य लेकर पैदा होती है ओम स्वामी को सात साल की उम्र में अमित मतलब अमित शर्मा को सात साल की उम्र में एक ड्रीम आया एक स्वप्न आया जिसमें उन्हें भगवान शिव के साक्षात्कार मतलब भगवान का दर्शन हुआ वहाँ पे ड्रीम में और तब से उनकी एक यात्रा शुरू हो गई इनर जर्नी शुरू हो गई और घर में ऑलरेडी स्पिरिचुअल एटमोस्फियर था वो इतने धीरे 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 स्क्रिप्चर्स का रीडिंग करते थे वो इतने ज़्यादा मतलब एविड रीडर थे कि 11 साल की उम्र में लोग उनके घर के बाहर अपना ज्योतिष दिखाने के लिए अपनी कुंडली दिखाने के लिए खड़े रहते थे लाइन में कैन यू थिंक 11 साल की उम्र मतलब नॉट इवन टीन एज साल की उम्र में ही वॉज़ एन एविड ज्योतिष रीडर जिनके पास ना सिर्फ गांव के लोग दूर दूर के लोग आते थे अपनी कुंडलियाँ पढ़वाने के लिए और ऐसा माना जाता था कि एक बार अमित शर्मा ने कुछ कह दिया मतलब हो के ही रहेगा इतना पावरफुल उनका पूरा आ, नो एस्ट्रोलॉजिकल मैथ्स था वो उन्हें यही कहते हैं कि ये पूरा एक मैथ्स है ये पूरा एक साइंटिफिक सेटअप है जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जनरेट किया गया था ज्योतिष बेसिकली तो 11 साल की उम्र में ही वॉज एन एवी मतलब ज्योतिष रीडर 15 साल की उम्र में उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में वो महारत हासिल कर चुके थे मतलब जो चीज़ मैं आज मतलब 27 साल का हो चुका हूँ मुझे स्टॉक के बारे में स्टॉक का एस भी नहीं पता मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट शेयर्स कैसे खरीदे जाते हैं कैसे बेच बेचे जाते ये कुछ चीज़ें मुझे, मुझे मालूम नहीं है आज की तारीख में भी वो सारी चीज़ें उन्हें पंद्रह साल की उम्र में मालूम थी और उन्होंने अपनी ना सिर्फ पॉकेट मनी बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी एक इनकम उनकी आना शुरू हो चुकी थी उस टाइम की उम्र में अच्छा पैरेलल उनकी साधनाएं चल रही थी अलग अलग देवी देव, देव बचपन से ही हाँ और काफ़ी जगहों पर अपने डिस्कोर्स में स्वामी जी कहते हैं कि सुबह उनको स्कूल जाना होता था तो काफ़ी बार ये होता था कि पूरी पूरी रात साधनाएं चलती थी और काफ़ी बार स्मशान में जाके साधनाएं करते थे काफ़ी बार अलग अलग मंदिर में जाके साधनाएं करते थे तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी तो पंद्रह साल की उम्र में उनका ये मतलब स्टॉक एक्सचेंज का ही था वे गए ऑस्ट्रेलिया अपनी पढ़ाई करने के लिए बीस साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी थी ही वॉज़ अ सी ई बाई देन चार साल के अंदर मतलब सोलह से लेकर बीस के अंदर उन्होंने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोरेशन किया टेक्नोलॉजिकल फील्ड में और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी मतलब आईटी में एक बूम आ रहा था पूरा तो उस आईटी के बूम को उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया था कि ये क्या होने वाला है कैसे फ्यूचर शेप लेने वाला है आई का तो उन्होंने अपनी कंपनी को उसी दिशा में बिल्डअप किया और वन ऑफ द मिलियनर्स ही वॉज एट दैट टाइम और ये सारी उनकी जर्नी थी वो अट्ठाईस साल तक चली उन्होंने कॉन्शियसली बीस इक्कीस साल की उम्र में एक डिसीजन ले लिया था कि अगले दस साल में मैं संसार छोड़ दूँगा मैं संन्यास ले लूँगा ये उनको दस साल पहले पता था बीस साल की उम्र में और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं अगले दस साल के अंदर जो मेहनत करना है जो मुझे बनना है वो मैं अचीव करके फिर सन्यास लूँगा क्योंकि सन्यास की आज की एक परिभाषा लोग ये भी कहते हैं लोग आपको ये भी ताने मारते हैं ना कि कुछ नहीं था इसलिए सन्यास ले लिया छोड़ने जैसा कुछ है ही नहीं तो सन्यास किस चीज़ का लेकिन अगर आपके पास छोड़ने जैसा एक एम्पायर हो बड़ा आपके पास यू आर अ मिलियनर तो आपको कहा जा सकता है कि हाँ आपने सन्यास लिया आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी ये उनका गोल था कि संन्यास की परिभाषा मैं बदलूँगा मैं अपने पास अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपना जो कुछ भी धन में इकट्ठा करूंगा करूँगा ये सारी चीज़ें एक ऐसे मुकाम पर आके छोड़ूंगा कि मैं लोगों को ये समाज को ये सोसाइटी को ये उदाहरण ये दृष्टांत दे पाऊँ कि इतना पाने के बाद भी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं इफ यू वॉन्ट टू सी द भगवान यू you नो know, आज उनकी उम्र क्या है इज फोर्टी थ्री राइट नाउ इफ आई नॉट रॉन्ग बस ओके तो इनका जन्म कब नाइनटीन एट्टी में हुआ है प्रोबेबली ओके okay. क्योंकि उनकी किताब पढ़कर जी मैंने सिर्फ वो गायत्री मंत्र वाली किताब पढ़ी है और वो पढ़कर मुझे लगा कि ये कोई सिक्सटी ईयर ओल्ड सेवेंटी ईयर ओल्ड ने लिखी हुई है ही इज एक्सट्रीमली यंग ओके उस किताब में कहा गया है कि अगर मंत्र के uh, फायदे आपको एक्चुअली देखने आपको एक लाख बार मंत्र करना होता है बिल्कुल एक लाख बार जी एक लाख तो सिर्फ एक छोटा नंबर आई वुड से आपको शायद झटका लग सकता है ये सुन के लेकिन इफ़ यू वांट टू सिद्ध वेद माता गायत्री अगर आपको वेद माता गायत्री को सिद्ध करना है सवितुर गायत्री को सिद्ध करना है तो आपको चौबीस लाख का अनु मतलब उसे कहते हैं अनुष्ठान या फिर पुरुष चरण करना पड़ता कि, है कितना टाइम लगता उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है तीन साल भी लग सकते हैं पाँच साल भी लग सकते हैं तो आ, उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया में अपना बिज़नेस खड़ा किया फिर यूएस में यूके में यू नो कनाडा में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर अचानक एक दिन वाराणसी आ गए सब कुछ छोड़ के और एक मेल डाला अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को कि मैं जा रहा हूँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना सारी चीज़ें जो भी मतलब सेटअप करना था कंपनी का वो मिल्कत जिन्हें देनी थी संपत्ति जिन्हें देनी थी ये सारी चीज़ें उन्होंने बांट दी सबको अपने पास कुछ नहीं रखा सिर्फ एक भगवे मतलब चोले में निकल पड़े अपने साथ अपनी एक जोली लेकर और वाराणसी में उन्होंने गुरु की खोज शुरू की उन्हें मिले नागा बाबा नागा बाबा वजतंत्र सम्राट तंत्र सम्राट उन्हें ये विरोध दिया जाता है उन्हें ये पदवी दी जाती है जो तंत्र में सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्तर के ऊपर हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं तो ओम स्वामी उस टाइम पे नागा बाबा के संपर्क में आए और नागा बाबा एक ऐसे एक एक इंसान थे अब नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर मतलब 2012 2022 के दिसंबर मंथ में फर्स्ट दिसंबर को उनका उनके उनका निर्वाण हुआ उनकी डेथ हुई तो नागा बाबा ने अपनी जिंदगी में 10 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था और नागा बाबा ने ना सिर्फ माँ के एक माँ के दर्शन किए नागा ने अपनी ज़िंदगी में माँ तारा जो सबसे पहली महाविद्या है दस महाविद्याएं हैं काली तारा महात्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी बगलामुखी छिन्नमस्ता त्रिपुर भैरवी मातंगी कमलात्मिका और धूमावती ये दस महाविद्याओं में जो दो पहली महाविद्या है काली और तारा उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी साधना के थ्रू उन्होंने की थी काष्ठवत समाधि साधना जिनमें आपको एक लकड़ी के बिस्तर के ऊपर सो जाना होता है और उसके ऊपर ही आपको कुछ खाए पिए बिना ऐसे ही लेट लेट कर वो साधना करी जाती है चार महीने तक नागा बाबा ने अपनी बहुत ही अल्प आयु में बहुत ही छोटी आयु में वो साधना की करी थी और चार महीने तक मतलब एक दिन तक उनकी ये साधना चली थी एक दिन तक नागा बाबा काष्ठवत मतलब जस्ट लाइक ब्रांच जस्ट लाइक यू नो फूड वो ऐसे ही लेटे हुए थे ना कुछ खाना ना कुछ पीना पता भी ना चले कि सांस चल रही है ना फिर नहीं चल रही है आंखें भी नहीं खोलना ऐसी एक साधना ऐसी बहुत सारी साधनाएं मतलब पंच धुनी साधना जैसे आपको समर के मंथ में अपने आसपास पांच अलग अलग धुनी चिता जिसे कहते हैं ना वो धुनी लगा उसके बीच में बैठना होता है अब आप सोच लो समर के टाइम का टेम्परेचर उसमें दोपहर के बारह बजे से लेकर शाम को साढ़े चार पाँच बजे तक आपको उसके बीच में बैठना है और ध्यान लगाना है इसे हठ योग कहा जाता है हठ योग मतलब कोई ऐसा जिसे योग योग तो कहे कहा ही जाता है लेकिन हठ मतलब जिद एक प्रकार की तो हठ योग का नाम दिया गया इसे भगवान तक पहुंचने का एक अलग जरिया अलग माध्यम ये उन्होंने साधना की फिर जलधारा साधना की थी फिर बहुत सारी अलग अलग तांत्रिक साधनाओं के जरिए उन्होंने अपने बॉडी को अपने माइंड को अपने सोल को इतना लायक बनाया कि माँ तारा के दर्शन हो पाए और माँ काली के दर्शन हो पाए और इस वजह से उन्होंने फिर बाद में ये भी उल्लेख मिलता है कई कई किताबों में कि उन्होंने माँ कामाख्या की जो शक्तिपीठ है वहाँ पे भी बहुत सारे अनुष्ठान किए थे बहुत सारी साधनाएं करी थी और ऐसे उनको विरुद्ध दिया गया पदवी दी गई तंत्र सम्राट की तो भारत में आज की तारीख में बहुत ही कम ऐसे साधु हैं संत हैं तांत्रिक हैं जो तंत्र सम्राट हैं तंत्र के सर्वोच्च पद पर विराजमान सेंट उनका जो संप्रदाय था अच्छा हरेक साधु का एक संप्रदाय रहता है मतलब इनका संप्रदाय उदासीन संप्रदाय संप्रदाय मतलब आपका लीनिएज फैमिली स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल फैमिली या तो उनकी लीनिएज जो थी वो उदासीन लीनिएज थी अच्छा उदासीन लीनिएज की शु, शुरुआत बहुत पहले से थी लेकिन गुरु नानक देव के ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़े बेटे जो थे चंद्र जी चंद्र जी ने इस पूरी लीनिएज को बाद में फिर से पुनर्गठन किया सजीवन किया सिखों के गुरु Correct. नानक देव हां हां ओके okay. तो इट इज द इट इज अ वेरी रेयर फैक्ट जो बहुत ही कम लोगों को पता है कि हम ये धर्म वर्मा सारी चीज़ें करते रहते हैं लेकिन गुरु नानक देव के बड़े बेटे ने ही वो इतने बड़े संत थे इतने बड़े तांत्रिक थे इतने बड़े वो यू नो आप कह सकते हैं कि साधक थे कि उन्होंने उदासीन संप्रदाय को वापस से खड़ा करने का काम किया था और उदासीन संप्रदाय में एक नाम जो जुड़ता है एंशंट टाइम में वो है नारद मुनि नारद मुनि भी उदासीन संप्रदाय से थे तो ये उनकी लिनिएज थी नागा बाबा की ये लिनिएज में नागा बाबा ने आगे जाकर अपना पूरा एक वहाँ पे आश्रम खड़ा किया था और स्वामी जी मतलब ओम स्वामी फिर वहां पे उनके पास पहुंचे नागा बाबा के पास नागा बाबा के पास साढ़े चार महीने स्वामी जी रहे और ओम स्वामी ने अपने बचपन में शाबर मंत्र की साधनाएं की थी कौन सा मंत्र की? शाबर मंत्र क्या होता है हो? शाबर मंत्र जस्ट फॉर एन एग्जांपल हनुमान चालीसा इज अ शाबर मंत्र बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट बट होता क्या है वो अवधि लैंग्वेज अवधि भाषा में लिखा हुआ जो एक साहित्य है उसे हम काफी हद तक शाबर मंत्र कहते हैं जो आज की तारीख में मतलब नए जमाने में नए संतों ने एक अलग तरीके से उसको उस मंत्रों में ऊर्जा रोपी है उसे ऐसे मंत्र माने जाते हैं जो यूज इन थ्रो काइंड ऑफ है अगर आप एक बार यूज करो फिर आपको उस आपके लिए वो मंत्र काम नहीं करेगा अगर आप एक बार यूज़ करो तो काम नहीं करेगा जी एक बार आपके लिए वो मंत्र काम करेगा एक बार आपके लिए अगर आप मान लो कि आप कोई बड़ी परेशानी में हो आप उससे निकलना चाहते हो और आपने शाबर मंत्र की साधना की शाबर मंत्र को आपने जागृत कर लिया आपके लिए तो आपके लिए एक बार वो काम करेगा उसके बाद वो आपके लिए निष्क्रिय हो जाएगा एक हथियार की तरह हथियार की तरह राइट तो मंत्र के तीन प्रकार होते हैं वेदिक तांत्रिक और शाबर वेदिक मंत्र को फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र जिसे इन्वोक करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है तांत्रिक मंत्र जिसे इन्वोक करना इजी रहता है लेकिन वो भी टाइम लगता है उसमें और शाबर मंत्र जो सबसे जल्दी फलीभूत हो जाता है सबसे जल्दी इन्वोक हो जाता है सबसे जल्दी एक्टिव हो जाता है वो शाबर मंत्र तो ये मंत्र के तीन प्रकार तो उन्होंने बचपन से शाबर मंत्रों की बहुत सारी साधनाएँ करी थी लेकिन ये साढ़े महीने के दौरान उन्होंने मतलब सॉरी बचपन में उन्होंने एक साधना ऐसी की थी शाबर मंत्र की जहाँ पे उन्होंने माँ से ये मांगा था कि मुझे पूरी ज़िंदगी खाने में कभी प्रॉब्लम ना आए ही वॉज अ बिग फूडी ही स्टिल अ बिग फूडी बाय द वे और ये उनके डिस्कोर्स में मुझे एक चीज़ जानने को मिली थी ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको अच्छा ये साढ़े चार महीने के दौरान उन उन्होंने खाने में उन उन्हें कुछ मिलता नहीं था उतना ज़्यादा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कठोर तपस्या होती थी और नागा बाबा एक ऐसे गुरु थे जो उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं थे उनके प्रति किसी शिष्य के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप में मानते थे क्योंकि उन्होंने हठ योग किया था उन्होंने भी ऐसी ऐसी साधनाएँ करी थी जिन्हें करना मुश्किल ही नहीं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है तो साढ़े चार महीनों के दौरान उन्हें फिर बाद में आगे जाके श्री विद्या की दीक्षा मिली नागा बाबा के थ्रू और श्री विद्या में पंचदशी मंत्र मिला जो मंत्र मैं अभी नहीं बोल सकता पंचदशी मंत्र मतलब फिफ्टीन लेटर्ड मंत्र श्री विद्या का सबसे प्रमुख मंत्र उसे माना जाता है और नागा बाबा ने पूरी किताब उनको एक दे दी जिस किताब के अंदर मंत्र को कैसे सिद्ध करना है क्या करना है उसका न्यास विनियोग वगैरह न्यास मतलब आपके बॉडी के अंदर देवता को स्थापित करना इन शॉर्ट तंत्र में यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रमुख होती है कि आप अपनी बॉडी को ही देवता बना डालते हो आप अपनी बॉडी को ही मंदिर बनाते हो और उसी मंदिर में भगवान को रहने आने के लिए वसवाट करने के लिए निवास करने के लिए आप आह्वान देते हो तो स्वामी जी ने पूरा कुछ विधि सीख लिया और साढ़े चार महीने के बाद एक उन्हें टाइम नहीं मिलता था साढ़े चार महीने के दौरान साधना करने का क्योंकि नागा बाबा इतना काम देते रहते थे उनके स्कूल का काम चालू था वहाँ पे तो जब भी साधना करने का वक्त आता था तब उन्हें कुछ मतलब मिलता नहीं था टाइम तो मन ही मन वो थोड़ा आ, टेंशन में थे कि साधना कैसे करे क्योंकि सन्यास तो साधना लेने के लिए किया था और निकल पड़े थे कि अभी अगर माँ के दर्शन होंगे तो ही मैं आऊंगा वापस अदरवाइज नहीं आऊंगा ये कह के निकल पड़े थे वो साढ़े चार महीने के बाद एक बार नागा बाबा ने उनको मां के लिए गाली दी बाबा और सारे जो अघोरी सन्यासी रहते हैं ना उनकी एक ये वो होती है टंग थोड़ी एक प्रकार की कि आपको वो कोई भी अगर कुछ चीजें कहनी है ना तो ऐसे तरीके से कहेंगे कि वो आपको गाली या फिर अच्छी तो अच्छी ना लगे इन शॉर्ट तो ही बेसिकली तो आ, स्वामी जी के लिए तो माँ अल्टीमेट सारी चीजें वही थी वो अपने ऊपर कुछ भी ले लेते लेकिन माँ के ऊपर कुछ नहीं सह सकते थे तो उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने नागा बाबा को एक लेटर लिखा कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता और मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ 2010 में आ, ही वेंट टू हिमालयास उनकी तपस्या बहुत लंबी चली श्री विद्या में उन्होंने एक ऐसी जगह पे जाकर तपस्या की जो चमोली वहाँ पे एक गांव है वहाँ के एक पहाड़ बहुत सारे पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में जंगल है जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता मतलब ऐसे जंगली जानवर वहाँ पे घूमते रहते हैं जो दिन के उजाले में भी आप वहाँ पे जाने की हिम्मत ना करें वैसी जगह पे उन्होंने डेढ़ साल साधना करने का निश्चय किया उनके एक शिष्य उनके साथ थे शिष्य तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ कह सकते हैं कि उनके साथीदार तब उनके साथ थे बाद में शिष्य बने जिसका नाम था प्रदीप ब्रह्मचारी जी प्रदीप ब्रह्मचारी उनके साथ थे और ये दोनों स्वामी जी और प्रदीप जी दोनों जंगल में थे साधना कर रहे थे डेढ़ साल तक उन्होंने साधना की थर्टीन फेब्रुआरी टू उनको माँ के साक्षात्कार का अनुभव हुआ का अनुभूति हुई सुबह पाँच बजे का समय था और माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो तीसरी महाविद्या है और आ, जिस मंत्र में उनको दीक्षा मिली थी उस मंत्र के थ्रू ही स्वामी जी को माँ के दर्शन हुए उनके बाद दर्शन के बाद माँ के थ्रू ही उनको श्री कृष्ण भगवान के भी अनुभूति हुई उनका भी साक्षात्कार हुआ और 2012 में उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की जो आश्रम आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में बद्रिका आश्रम में है तो बत्री का आश्रम में फिर बहुत सारी चीज़ें मतलब 2014 में वहाँ पे ये जो हम आज छवि देख देख रहे हैं भगवान की वे भगवान श्री हरि की छवि है ये जो विग्रह है उनका उनकी स्थापना हुई उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई कॉन्सिक्रेशन हुआ 2014 में अप्रैल महीने में और फिर आज की तारीख में स्वामी जी अभी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लाइक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हैज़ डेवलप्ड ब्लैक लोटस ऐप एज वेल एज़ साधना ऐप ब्लैक लोटस मेडिटेशन के लिए साधना एप्लीकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा साधक को जिस चीज़ की परेशानी रहती है कि साधना कैसे करें न्यास कैसे करें विनियोग कैसे करें पूरी तांत्रिक साधनाएँ उसमें दी गई हैं उच्छिष्ट गणपति से लेकर यू you नो know, माँ दुर्गा की साधना से लेकर अभी नवग्रह का पूरा एक प्लानेट वहाँ पर डेवलप हो रहा है उसकी साधना से लेकर टोटल 150 प्लस जागृत मंत्र जिसकी साधना स्वामी जी ने खुद अपनी ज़िंदगी में करी है वही सारे जागृत मंत्र की साधना वहाँ पे दी गई है विथ 100 परसेंट फुल आ, मतलब सारे रिचुअल्स के साथ पंद्रह हज़ार घंटे का उनका मेडिटेशन का वो पीरियड है उन्होंने अपनी जिंदगी में पंद्रह हज़ार घंटे से ज़्यादा मेडिटेशन किया हुआ है तो एक ऐसे संत जिन्होंने ध्यान योग में भी इतना काम किया हुआ है और तंत्र योग में भी इतना काम किया हुआ है और मेरी जिंदगी में 2021 में फिर बाद में मैंने टूथ पी टोल पढ़ा और ये सारी चीजें हुई 2022 में कट्टू मैंने उनकी ऑलमोस्ट लाइक like छः सात किताबें पढ़ी ली थी तब तक और ही uh, इज मेरे लिए अगर कोई मुझे पूछे कि स्वामी जी क्या है तो ही इज़ अ ही इज़ अ गॉड मी एक्चुअली क्योंकि बहुत ही कम लोग आज की तारीख में ऐसे होते हैं जो एक बार सिद्ध होने के बाद पूरी दुनिया के लिए बहुत सारा काम करते हैं और ना कि अपने लिए सिर्फ उनका आश्रम उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं एक ही जगह पे आश्रम करूँगा मुझे और कोई आश्रम नहीं खोलना 2022 में जुलाई महीने में, में मेरी साधना एक मेरी चल रही थी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि चल रही थी आषाढ़ के महीने में मैंने एक निर्णय लिया था एक निर्धार लिया था कि स्वामी जी को मैं अपने गुरु के पद के ऊपर स्थापित करूंगा क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे कोई ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई थी जिनके लिए मुझे अंतर से बहुत ही ज़्यादा भावुक मैं हो रहा था जिनके लिए मुझे बहुत आस्था प्रकट हो रही थी जिनके लिए तो उसी वक्त मैंने निर्णय लिया कि मैं इस नवरात्रि में स्वामी जी को अपने गुरु के पद के ऊपर स्थापित करूँगा और मुझे दीक्षा नहीं मिली थी तब तक उनके पास से मेरी पहले दिन की साधना नवरात्रि की खत्म हुई और रात को मैं साधना करता हूँ मेरी तंत्र साधना रहती है तो रात को अराउंड एक डेढ़ बजे के आसपास साधना खत्म हुई और पूरी नवरात्रि आई वॉज ऑन द फ्रूट्स मैं सिर्फ फ्रूट और दूध के ऊपर ही वो नवरात्रि कर रहा था फिर मैं सो गया सुबह के शायद साढ़े चार पाँच बजे होंगे उन्होंने एक विजन आया मुझे जो विज़न इतना रियल था कि ड्रीम होने की तो कोई संभावना थी ही नहीं और अगर आप उनकी बाकी की किताबें पढ़ेंगे रेन मेकर या फिर आ, ओम स्वामी एस वी नो हिम जो साधवी वृंदा ओम ने लिखी हुई है वो पढ़ के आपको पता चलेगा कि उनका ये एक मेथड है लोगों से कम्युनिकेट करने का जो साधक होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने का थ्रू विजन्स क्योंकि ही इज़ ऑन दैट लेवल कि माँ और श्री कृष्ण मतलब माँ और भगवान हरि दोनों उनके अंदर विराजमान है और बहुत सारे केसेस में एस्ट्रल ट्रैवल के भी केसेस लोगों ने बताए हुए हैं कि स्वामी जी कैन डू एस्ट्रल ट्रैवल सुबह के पाँच बजे थे अचानक मेरी नींद उड़ी और मैं एक, मैं एक कमरे में था पूरा अंधेरा छाया हुआ था उस कमरे के अंदर और स्वामी जी अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे इन अ ब्लैक रोब कंप्लीट ब्लैक रोब और मैंने सिर्फ उनको प्रणाम किया कुछ बोले बिना उन्होंने मुझे अपने आप अपने पास आने का संकेत दिया कुछ बोले बिना मैं उनके पास गया उनके नीचे बैठ गया वहाँ पे पाँव के पास और उनकी गोद में मैंने सर रख के सो गया और फिर जैसे ही मैंने सर रखा उनकी गोद में तुरंत इट वाज अ पिच ब्लैक कॉस्मोस पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने था उस टाइम पे जब मैं उठा तब बजे थे सवा पाँच फाइव फिफ्टीन ये यही टाइम था जिस टाइम पे स्वामी जी को 2013-2011 में माँ के दर्शन हुए थे तब जाकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो संकल्प किया था कि मैं आपको कुरु के पद के ऊपर स्वीकार करता हूँ शायद उन्होंने मेरी जो एक याचिका थी मेरी जो अरज थी वो स्वीकार कर ली है और इस विजन विजन के ज़रिए उन्होंने मुझे ये संकेत दिया कि हाँ मैं आपको शिष्य के तौर पर स्वीकार करता हूँ हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर कि आपने भी बहुत सारे ऐसे साधना करी है जो आम इंसान के लिए शायद बहुत मुश्किल होंगी आम, दो सवाल पहले वो अनुष्ठान के बारे में बात करना चाहूंगा चौबीस लाख आपने कहा चौबीस लाख चौबीस लाख बार एक मंत्र का जाप करना पड़ता है और गायत्री मंत्र आई वॉन्ट से कि एक बीज मंत्र है लंबा मंत्र है बिल्कुल चार लाइन है तो आम, सबसे शॉर्ट समय में अगर कोई करने जाए थी, तो, तो कितना टाइम लग सकता है दिन के अगर आप घंटे बैठो तो तीन साल में या फिर यू नो चार साल में हो सकता है तीन या चार साल हाँ पर ए, एक बार वो चौबीस लाख बार जाप कर लिया फिर क्या होता है चौबीस लाख जाप करने के बाद रणवीर सबसे पहली जो चीज़ आपके साथ होती है आपका माइंड एकदम काम हो जाता है और आपको अगर स्क्रिप्चुअल बात मैं आपको बताऊँ स्क्रिप्चर में जो लिखा हुआ है वेदमाता गायत्री सिद्ध हो जाती है आपको वेदमाता गायत्री सवितुर गायत्री है जो सूर्य भगवान का मंत्र जिसे कहा जाता है और वही वेदमाता भी है जिन्होंने चारों वेदों में जो विराजमान है जो दिव्य शक्ति विराजमान है वही वेदमाता गायत्री है सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसके लिए यही है कि आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ पूर्ण आस्था के साथ ये चीज़ करनी पड़ेगी विधि विधान भी ज़रूरी है लेकिन वो थोड़ा अगर साइड में रखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फेथ अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैरट की तरह एक तोते की तरह उसके उसे करते जाएंगे उसका कोई मीनिंग नहीं है उसे हंड्रेड एंड टेन परसेंट उसका मीनिंग समझ के पूर्ण आस्था के साथ उसे आ, चांटिंग करना पड़ेगा चांट करना पड़ेगा तब जाकर जो स्वामी जी का एक एक्सपीरियंस रहा हुआ है वो मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि माँ के साक्षात दर्शन संभव है और हमारे यहाँ पे बहुत ही बड़े आचार्य हो चुके हैं पंडित राम शर्मा आचार्य जिन्होंने गायत्री माँ को सिद्ध किया था और आज की तारीख़ में आपने आपने शायद सुना होगा गायत्री परिवार बहुत जगह पे हरिद्वार से लेके ऋषिकेश से लेकर अपना वृंदावन से लेकर बहुत सारी जगह पे उनके आश्रम भी है तो गायत्री परिवार के जो संस्थापक थे वो थे पंडित राम शर्मा आचार्य उन्होंने गायत्री माँ को सिद्ध किया था पहले तो ये सारी चीजें अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या होता है ये सिद्ध करने के बाद तो माँ के दर्शन होते हैं और यू कैन डू एनी यू you नो know, फिर तो ये बात है ना कि आप स्वयं सर्जनहार बन जाते हैं आप स्वयं पालनहार बन जाते हैं आप स्वयं संहारकर्ता बन जाते हैं पर जिंदगी में सिर्फ एक बार करना पड़ता है हाँ अनुष्ठान बिल्कुल सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार उसके बाद अगर गायत्री मंत्र बोला भी नहीं फिर भी गायत्री मंत्र का पावर आपके पास है फिर अजपा हो जाता है एक होता है आप तीन प्रकार से जप करते हैं ना वाचिक मानसिक उपांशु और चौथी जो अवस्था होती है जप की वो होती है अजपा मतलब आपके माइंड में अपने आप आपको करना भी नहीं पड़ता जब और वो चलता रहता है अपने आप दिमाग में चौबीस घंटे सातों दिन चलता रहता है चलता रहता है तो वही अवस्था में आप पहुंच जाते हैं कि आपको फिर एक बार मंत्र सिद्ध हो गया उसके बाद आपको मंत्र के पास जाने की जरूरत नहीं है मंत्र आपके अंदर समा चुका है साधना आपके अंदर समा चुकी है पूरी उस किताब में इन डिटेल वो साधना बताई गई है बिल्कुल पर बहुत ज्यादा इंटरमीडिएटिंग लगा मुझे क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स थे और ऐसा लगा कि यार एक लाख बार भी बहुत होता है मतलब दिन में कितने घंटों तक प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है रफली इसमें होता है अनुष्ठान के आपके संकल्प के ऊपर मान लो कि आपने तीन महीने का संकल्प लिया है और आपके पास अगर समय की वो कम है कि मुझे मैं इतना समय ही दे पाऊँगा मान लो कि आप दिन में पौने घंटे ही दे पा रहे हो तो आप पौने घंटे ही करो लेकिन पूरी विधि के साथ करो और एक माला करो भले एक माला करो विधान तो ये कहता है कि आप दिन में अगर तीस माला करो तो आपके थोड़े आगे जाकर पूरा एक स्टॉक आपके पास होगा मंत्र का लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो आपको दिन में एक माला करने पर भी उतना ही फल मिलेगा एक माला मतलब 108 बार हाँ 108 बार okay. करेक्ट तो इम्पोर्टेंट यही बात है कि आप कितनी शिद्दत के साथ मां को पुकार रहे हो okay. आपकी चाहत क्या है मां को पुकारने की क्योंकि यह तो होने वाला नहीं है कि आप पुकारेंगे मां को आपकी इंटेंशन पता है मां को पता है कि यह किस इंटेंशन से मुझे पुकार रहा है या फिर यह सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता है कि मंत्र काम करता है या नहीं करता फॉर एग्जाम्पल और दूसरी चीज जो इसके ऊपर डिपेंड करती है वो है आप किस संप्रदाय से बिलोंग करते हो आपको किस गुरु ने दीक्षा दी हुई है एक बहुत ही सुंदर कहानी मुझे स्वामी जी ने ही एक डिस्कोर्स में मुझे याद आ रही है अभी अः एक राज ज्योतिषी थे और राज ज्योतिषी बहुत ही बड़े साधक थे गायत्री माँ के वेद माता गायत्री के और राजा के कामकाज और पैलेस के पूरे कामकाज के लिए उन्हें समय नहीं मिलता था साधना का तो उन्होंने अपने छोटे भाई को पूरा कारभार सौंप दिया कि आप राज ज्योतिषी बनो मैं करे मैं चला साधना करने क्योंकि मुझसे ये हो नहीं रहा और ना तो मुझसे साधना हो रही ना तो ये यहाँ का काम मुझसे हैंडल हो रहा है तो वे चले गए साधना करने के लिए जंगल में और उन्होंने तीस साल की एज में ही वेंट टू वुड्स जंगल में जाने के बाद जब वो बहत्तर साल के हुए तब तक उन्होंने साधना ही की सिर्फ और सिर्फ लेकिन माँ के दर्शन नहीं हुए चौबीस लाख का एक अनुष्ठान एक साल में आप सोच लो उन्होंने बहत्तर साल तक अपनी ज़िंदगी के हर साल एक एक अनुष्ठान किया और एक अनुष्ठान चौबीस लाख का था कितने अनुष्ठान किए होंगे उन्होंने बहत्तर साल तक उनको उनको यही लगा कि नहीं माँ आएंगी माँ आएंगी और जब माँ नहीं आई बहत्तर साल तक तब एक बार वो घूम रहे थे कहीं पे और स्मशान में जाकर रुके वहाँ पे एक सन्यासी बैठे हुए थे और सन्यासी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ बेटे आप चिंता में लग रहे हो उन्होंने कहा कि अगर आपको पता ही है चिंता में लग रहा हूँ मैं तो आप बता दीजिए क्या हुआ तो सन्यासी को पता चल गया कि माँ के दर्शन नहीं हो रहे सन्यासी ने उनको पूछा कि मैं आपकी व्यथा समझता हूँ मुझे एक बात बताओ क्या आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो तो साधक ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ मैं तीस साल की उम्र में ही सब कुछ छोड़ चुका था अब क्या छोड़ू मेरे पास छोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तब आ, सन्यासी ने कहा कि ठीक है मैं आपको सन्यास दीक्षा देता हूँ मैं आपको अपनी लीनिएज में लेता हूँ आपको अपना शिष्य मानता हूँ आप अभी गायत्री मंत्र का चांट कीजिए लेकिन ये जो घटना हुई उससे पहले जब वो स्मशान में पहुँचे उस सन्यास ने उनको कहा कि आप पीछे एक बार देख लो साधक ने पीछे देखा पीछे छः चिताएं बुझ चुकी थी सातवीं चिता जल रही थी सन्यासी ने कहा साधक से कि आपने ये थर्टी टू ईयर्स में जितनी साधनाएं की जितने अनुष्ठान किए उस अनुष्ठान की वजह से आपके छः जन्मों के कर्म नष्ट हो चुके हैं जो आपका एक बैगेज था वो खत्म हो चुका है सिर्फ एक जन्म का बैगेज अभी बाकी है जब वो ख़त्म हो जाएगा तब माँ डेफिनेटली आपके सामने प्रकट होंगी ही होंगी लेकिन फिर भी उन्होंने किया जिद की कि नहीं मुझे माँ के दर्शन करने ही हैं आप मुझे माँ के दर्शन कराओ ठीक है सन्यासी ने कहा कि मैं आपको दीक्षा देता हूँ सन्यासी ने उनको दीक्षा दी और कहा कि आप चांट करो गायत्री मंत्र तीन बार साधक ने तीन बार सिर्फ गायत्री मंत्र चांट किया तुरंत माँ प्रकट हो गई माँ के प्रकट होने पर साधक ने माँ के ऊपर इतना गुस्सा किया कि आप कितनी कठोर हो मैं पूरी ज़िंदगी आपको बुलाता रहा आपकी साधना करता रहा कठोर से कठोर सिचुएशन में मैं रहा लेकिन फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आई और अभी सिर्फ तीन बार मैंने आपको बुलाया आपका मंत्रोच्चारण किया और आप आ गई ऐसा क्यों आप अगर पत्थर की ही हो तो मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप अभी इसी वक्त पत्थर की बन जाओ और उस वक्त माँ ने मुस्कुरा के जवाब दिया वेदमाता गायत्री ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि जब तक तुम्हें सन्यास दीक्षा नहीं मिली थी तब तक तुम अपनी साधना के बलबूते के ऊपर मेरा आह्वान कर रहे थे जैसे ही तुम्हें सन्यास दीक्षा मिली तुम्हारे जो सातवा जो जन्म था उसके जो कर्म बाकी थे जलने वो कर्म तुरंत ही जल गए और मैं तुम्हारे पास आ सकी तो इसमें दोष मेरा नहीं है दोष तुम्हें दीक्षा नहीं मिली थी तुम्हें सन्यास दीक्षा नहीं मिली थी इस चीज़ का है और जैसा आपने कहा कि मैं पत्थर की बन जाऊंगी मैं अभी इसी वक्त पत्थर की मूर्त बन जाती हूं और इतना कहने पर माँ तुरंत पत्थर की मूर्त बन गई और वो साधक रो रो के बिलक बिलक के पागल हो गया कि माँ मुझसे गलती हो गई मुझे क्षमा कर दीजिए मुझसे अपराध हो गया मुझे क्षमा कर दीजिए लेकिन माँ फिर नहीं तब्दील हुई सन्यासी भी चले गए स्मशान में से और ये इट इज़ द रियल स्टोरी ये कहा जाता है कि 92 टू ईयर्स तक उन्होंने वही स्मशान में रहकर कर माँ की पूजा अर्चना की थी माँ की मूर्त की माँ के विग्रह की और फिर जब उनका मृत्यु का समय नज़दीक आया तब उन उन्होंने माँ से कहा कि माँ मैं कैसे इस समाज को बता पाऊँगा कि आप वास्तव में अस्तित्व आपका अस्तित्व वास्तव में है आप कथाओं में सिर्फ नहीं एग्जिस्ट करती माँ आप कोई ऐसा मुझे उपाय बताइए कि मैं आपको विश्व तक ले जा पाऊँ और तब जाकर माँ ने अपना जो स्वरूप था माँ ने अपनी जो मूर्त थी उसे एक श्री यंत्र में तब्दील कर दिया और फिर वो श्री यंत्र उन्होंने अपने छोटे भाई जो राज ज्योतिषी थे उनको दे दिया और फिर वही श्री यंत्र आगे जाकर कालांतर में शंकराचार्य जी के पास पहुँचा तो इट इज़ अ ट्रू स्टोरी तो यही चीज़ है कि आप कभी कभी ये हो सकता है कि माँ को पूरी जिंदगी बुलाओ तो भी माँ ना आ पाए अच्छा यही चीज स्वामी जी के साथ भी हुई साढ़े चार महीने के बाद जब नागाबाबा ने उनको गाली दी ना रणवीर वो गाली के बाद जब उन्होंने एक डिस्कोर्स में बात करी आज की तारीख में भी उनको अपने गुरु के प्रति इतना मान है इतना आदर है इतना सम्मान है ना कि हम सोच भी नहीं सकते जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर एक सिचुएशन के बारे में जब आप किसी को गाली देते हो ना तब आप अपने पुण्य सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हो ओ जब आप किसी को गाली दे रहे हो आप खुद के पुण्यों को ट्रांसफर कर देते हो। जब नागा बाबा ने उनको गाली दी उसी वक्त स्वामी जी ने ये चीज कहीं पे बताई थी डिस्कोर्स में नागा बाबा की गाली की वजह से माँ ने उनको एक बार ये चीज बताई कि मैं आपको वास्तव में बहुत लंबे अंतराल के बाद दर्शन देने वाली थी आप अपने जीवन के अंतिम अवस्था में होते तब शायद मैं आपके सामने प्रकट होने वाली थी लेकिन उस दिन आपके गुरु की वजह से उनका सारा पुण्य उनका सारा तेज उनका सारा तपोबल आपके पास आ गया और यही वजह थी कि डेढ़ साल की तपस्या में माँ को साक्षात फिजिकल फॉर्म में उनके सामने हाजिर होना पड़ा क्योंकि नागा बाबा का जो तपोबल था वही तपोबल इतना शक्तिशाली था कि उसी तपोबल के जरिए स्वामी जी माँ के दर्शन कर पाए जो आपने कहा कि आगोरी गालियाँ देते तो खुद का ट्रांसफर कर रहे काफी हद तक जब आप अघोरी को सुनते हो ना तब अघोरी की गाली के पीछे भी प्यार ही होता है okay. आप मिले हो बहुत सारे अगोरी से मिला हूँ मैं मणिकर्णिका मैं लास्ट ईयर मैं वाराणसी में था 2022 में मई मंथ में और उस वक्त मैंने अघोरपीठ की मुलाकात ली थी अघोरपीठ के जो संस्थापक थे वो थे बाबा कीनाराम आज से चार सदी पहले चार चार सौ साल पहले सोलहवीं सदी में बाबा कीनाराम बहुत बड़े अगोरी हो गए भारत के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड uh, अघोरी जिन जिन्हें कहा जाता है और ये कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ वो तीन दिन तक रोए नहीं थे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के रूप में उनके घर आए थे उनके जो पिता थे अकबर सिंह और माता मनसा देवी उनके थ्रू उन्होंने अपने इस बालक को हाथ में लिया ब्रह्मा विष्णु महेश ने और उनके कान में एक मंत्र फूका था तब जाकर बालक रोया था तीन दिन के बाद इतना यू you नो know, तेजस्वी बालक था जब उनका जन्म हुआ तब और 117 साल जिए थे 170 सेवेंटी ईयर्स उनकी आयु थी अघोरी की और बाबा के के पास इतनी शक्तियाँ थीं कि एक बार आ, आ, एक मुर्दा तैर कर जा रहा था गंगा नदी से और आ, उन्होंने अपने एक गुरु थे बाबा कालू राम जी गुरु कालू राम जी और उन्होंने कहा कि देखो मुर्दा जा रहा है तो बाबा किनाराम ने कहा नहीं मुर्दा नहीं है वो जिंदा है तो कालू राम ने कहा साबित करके बताओ सिद्ध करके बताओ जिंदा है तुरंत ही बाबा कीनाराम ने कहा ए राम जी आवन राम खड़े हो और एक दो गाली दी साथ में और तुरंत वो जो मुर्दा जा रहा था वो तुरंत हक्का रह रहकर खड़ा हो गया और अपने पाँव से चलता हुआ बाबा के पास आया और फिर ये कहा जाता है कि पूरी ज़िंदगी वो रामजयावन राम, राम अघोरी बनकर बाबा के शिष्य बनकर उनके साथ रहे थे ये उनका वो था और ये भी एक कहानी है कि शाहजहाँ को उन्होंने डांट लगाई थी एक बार वैन शाहजहाँ को कांधार का किला सिद्ध करना था और बाबा के नाराम उस समय का कांधार महाभारत टाइम का गांधार जो गांधारी जहाँ से थी और आज का अफ़ग़ानिस्तान तो वहाँ पे एक बार गए और बाबा किनाराम ने कहा कि उन्होंने स्वागत किया शाहजहाँ ने उनका और बाबा किनाराम ने आशीर्वाद दिए कि जा तुझे जो तेरी जो मनसा है तेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी तो कांधार का किला उन्होंने जीत लिया फिर उत्तर भारत में एक बार वो वापस आए और शाहजहाँ उस टाइम पे वहीं पे था और ये अपना मुमताज़ की ये ताजमहल करा रहा था वो पूरा उसका निर्माण चालू था और उसी में डूबा हुआ था तो उसने बाबा किनाराम के ऊपर ध्यान नहीं दिया जब बाबा किनाराम महल में आए तब तो बाबा किनाराम को अपना ये अपमान लगा उनको हड़दूत किया गया वहाँ से बाबा किनाराम ने शाप दिया उसी वक्त शाहजहाँ को कि तो जिस गम में डूबा हुआ है वही गम तुझे ले डूबेगा और तेरा ही बेटा तुझे तुझे तेरी राजगद्दी से निकाल फेंकेगा और थोड़े ही दिनों में वास्तव में ऐसा ही हुआ कि औरंगजेब ने शाहजहाँ को जेल में बंद करवा दिया और उसकी जो सत्ता थी वो ख़त्म हो गई तो इतने पावरफुल संत थे कि जिन्होंने मुगल साम्राज्य भी देखा हुआ था और इतने प्रोग्रेसिव अघोरी थे कि जात पात का जो भेद था वो भी उन्होंने मिटाया हुआ था सारी कुछ चीज़ें उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी तो मैंने उनकी किताब में एक बार पढ़ा था कि जब अघोरी आपको कुछ गालियाँ देना तो उस गाली के पीछे के मीनिंग को भी डी करने की कोशिश करो क्योंकि अघोरी बहुत बार आपको आशीर्वाद देते लेकिन आप उस आशीर्वाद को समझ नहीं पाते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि अच्छा ये तो मुझे निकाल रहा है यहाँ से मुझे गालियाँ दे रहा है आपको क्यों मिलना था उनसे साधना के बारे में जानने के लिए नहीं मुझे क्यूरियोसिटी थी और मुझे अघोर मैंने अघोरपीठ के बारे में बहुत आ, सुना था जब मैं वाराणसी था उस वक्त सुबह मेरा एक रिचुअल था कि चार बजे मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जाता और भगवान के द्वार पर आ, दर्शन करके फिर वापस आता तो जब वापस आता था हर रोज़ रास्ते में बीच में विजय चौराहा पर अघोरपीठ का ये दरवाज़ा आता और आप अगर दरवाज़ा देखोगे ना उसका वहाँ पे तीन खोपरियाँ रखी हुई हैं तो मेरे जो बचपन का जो एक मेरे अंदर का जो परख है ना छोटा वाला उससे वो ए, खोपरिया, ये खोपरियाँ ये हड्डी वड्डी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है तो मुझे हर रोज़ क्यूरोसिटी होती थी, थी कि मुझे यहाँ पे जाना है एक दिन पता नहीं कब जाने को मिलेगा तो एक दोपहर दो को मैं ऐसे ही घूम रहा था वाराणसी में और फिर बीच में विजय चौराहा आया और तुरंत वो खुला हुआ था गेट जब सुबह जाता था गेट खुला हुआ नहीं होता था क्योंकि बहुत सात बजे के आसपास मैं निकल वापस आ जाता था होटल के ऊपर लेकिन दोपहर को गेट खुला हुआ था तो मैंने सोचा आज दर्शन करके आता है इसका मैं दर्शन करने के लिए गया मैंने वहाँ के बारे में जाना बाबा किनाराम के बारे में जाना उनकी किताबें ख़रीदी बहुत सारी अघोर रिलेटेड बहुत सारी किताबें खरीदी क्योंकि मुझे मेरी एक किताब लिखनी थी जो हाल ही में रिलीज़ हुई अघोरेश्वर करके गुजराती में वो किताब तो अघोरेश्वर अगुर, के लिए मुझे कुछ रिसर्च वगैरह करना था तो मुझे पता था कि मुझे मटीरियल मत, चाहिए तो मुझे यहाँ से ही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रियट और ऑथेंटिक मटीरियल मिल जाएगा तो मैं गया वहाँ पर वहाँ पर रणवीर चार साल से एक दुनिया जल रही है जो बुझ ही नहीं है वो धुनी बाबा किनाराम ने प्रज्वलित की थी और आज की तारीख में भी वहाँ पे प्रसाद के तौर पर आपको उस धुनी में से बभूत दी जाती है और ये ये कहा जाता है कि अगर वो बभूत आप कोई भी बीमारी में अगर आप मुँह में रख के एक बार भगवान का नाम ले लो बाबा किनाराम का नाम ले लो तो आपकी बड़े से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाती है और ये बहुत सारे किस्से देखने को मिले हैं वहां पे ही बाबा किनाराम ने क्रीमकुंड को स्थापित किया है और क्रीमकुंड में माँ हिंगलाज स्थापित है पूरे विश्व में सिर्फ दो जगह पे माँ हिंगलाज एग्जिस्ट करती हैं एक है पाकिस्तान में जहां पे उनकी शक्तिपीठ है और दूसरी क्रीमकुंड में वाराणसी में क्योंकि एक कनेक्शन बाबा किनाराम का मेरी भूमि के साथ भी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सौराष्ट्र राजकोट नज़दीक में ही जूनागढ़ में गिरनार बहुत ही बड़ा एक स्पिरिचुअल माउंटेन है वहाँ पे ही भगवान दत्तात्रेय ने अपनी तपस्या की थी गुरु गोरखनाथ भी वहाँ पे ही आए थे तो बाबा किनाराम ने भी अपनी तपस्या वहाँ से की है गिरनार से और बाबा किनाराम ने गुजरात के कच्छ में भी बहुत सारी तपस्या की थी कच्छ में जब वो तपस्या कर रहे थे कच्छ की खाड़ी में तब उनको हर रोज़ एक स्त्री भोजन देने के लिए आती थी और उनकी जो दुनी रहती थी तपस्या की उनको दस बारह साल का एक बटुक भैरव वो स्वयं उन्हें साफ़ करते थे उनकी उनकी सफाई करते थे ये कहा जाता है कि भैरव स्वयं उनके वहाँ पे थे और माँ स्वयं उन्हें भोजन कराने आती थी एक बार बाबा किनाराम को क्यूरियोसिटी हुई कि आप कौन है जो मुझे मेरे जैसे अनजान को हर रोज़ इतना चल के इतनी विषम दुर्गम परिस्थिति में खाना खाने के लिए मतलब देने के लिए आती हो आप तब उस स्त्री ने मुस्कुरा के कहा कि मैं वही हूँ जिनकी आप तपस्या कर रहे हो मैं ही हूँ माँ हिंगलाज और मेरा समय हो चुका है आप मुझे काशी ले चलिए मुझे वहाँ पे आकर स्थापित होना है और तब जाकर ये कहा जाता है कि भगवान मतलब बाबा किनाराम जी ने माँ को यहाँ से लेकर उनको उनके पास वरदान मांगा कि आप क्रीमकुंड में आकर स्थापित हो जाइए और वहाँ पे सारे भक्तों का कल्याण कीजिए तो ये थी बाबा किनाराम की कहानी जो मुझे इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी कि उसके ऊपर पूरी अभी आई एम थिंकिंग टू यू नो राइट अ बुक क्योंकि ये बात ये घटनाएं इतने बड़े अघोरी के बारे में आज तक कोई चीज़ पता ही नहीं चली है लोगों को रणवीर जब भी हम अघोर की बात करते हैं ना तब हमें खोपरिया दिखती है हमें खप्पर दिखते हैं हमें डक्त दिखता है वी सी ब्लड ओनली हमें बली दिखती है बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बलि प्रथा के पीछे का वास्तव अर्थ क्या है वास्तव में बलि प्रथा क्या है जब कोई अघोरी वास्तव में बलि देता है किसी प्राणी की देह हो या फिर नर बलि की बात आती हो अपने प्राण वायु को उस प्राणी के अंदर इम्प्लांट कर देता है अघोरी वो जो जीव रहता है उसके प्राण को मुक्त कर दिया जाता है सदगति के लिए यू you नो know, मोक्ष के लिए लिब्रेशन के लिए आप जो भी उसका टर्म यूज़ करें अपने प्राण वायु को उसके अंदर उसके प्राणी के शरीर में डालकर पशु के शरीर में डालकर फिर पशु बलि दिया जाता है और फिर जब उस पशु का खप्पर उसका कपाल उसका स्कल एक पात्र में रख कर एक थाली में रख कर साधक के पास वापस लाया जाता है और उसमें जो रक्त रहता है उसी रक्त का तिलक जब अगोरी के ऊपर किया जाए तब उसके प्राण उनके अंदर वापस आते हैं तो बली प्रथा इज एक्चुअली आप जब उसको अच्छी तरीके से ये पढ़ो आप उसका अध्ययन करो अगोरी से बात करो तब आपको पता चलता है कि आपके ही प्राण पशु के अंदर डालने की बात है ना ना कि किसी ऐसे पशु को काटने की बात जो सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब आहार के तौर पर आप उसे ले या फिर माँ को प्रसन्न करने के लिए आप उनकी बली दे इट इज़ लाइक पॉसिबल ही नहीं था रणवीर कि मैं यहाँ पे आज इस शो में आ पाऊँ क्योंकि मेरी जो बैक है उसमें फिफ्थ मतलब मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो इतनी गंदी हालत थी मेरी साधना के शुरू होने के समय ही मुझे इतना खराब पेन शुरू हुआ जिसकी मैं कोई बयान नहीं कर सकता शब्दों में मैं ना तो बैठ पा रहा था ना मैं सो पा रहा था ना मैं करवर बदल पा रहा था मैं कुछ नहीं कर पा रहा था इन शॉर्ट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं मैं किसी भी हालत में साधना तो खत्म करूंगा ही करूंगा क्योंकि जब आप साधना करते हैं ना लोग यही सोचते हैं कि मुझे क्यों हो रहा है ये कि ये चीज़ें मैं तो साधना करता हूं मुझे तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए प्रॉब्लम उन्हीं आती है जब आप साधना करते हैं क्योंकि साधना के दौरान ही ईश्वर देवता आपकी परीक्षा लेते हैं और अगर उस परीक्षा के दौरान भी आपकी जो फेथ है आपकी जो आस्था है अगर वो टिकी रही वहाँ पे, तो आपको उसका फल मिलता है बाद में या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं उसको जलाने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए भी कुछ कुछ पीड़ाएँ आपको दी जाती है जैसे कि ओम स्वामी को चार महीने तक उनको शाबर मंत्र का ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी उन्होंने बहुत भूखे रहे थे उनको खाना नहीं मिलता था उन्होंने एक बार माँ से पूछा जगत जननी से आदि पराशक्ति से कि माँ ऐसा क्यों कि मैंने तो शाबर मंत्र किया था पूरी ज़िंदगी मुझे अच्छा खाना मिला फिर भी वो चार महीने मुझे इतने कष्ट क्यों सहने पड़े तब माँ ने उनको कहा था कि मेरे पास दो विकल्प थे आ मैं आपको चार महीने में इतने कष्ट दे दूँ कि बाद में जाकर आपको मैं दर्शन दे पाऊँ या फिर पूरी ज़िंदगी में धीरे 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 जाकर आपको इतने कष्ट दूँ कि आखिर मैं आपको दर्शन दे पाऊँ जीवन के अंतिम अवस्था में तो मैंने माँ ने कहा कि मैंने यही पसंद किया कि मैं आपको चार महीने में एक साथ इतने कष्ट दे दूँ क्योंकि ओम स्वामी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था उनको बिच्छू ने काट लिया था और ऑलमोस्ट मृतअपायी हो चुके थे मरने की कगार पे आ चुके थे इतना उन्होंने दर्द सहा था उन चार महीने के दौरान तो यही चीज़ मेरे साथ उस टाइम पे हुई और आई वाज थिंकिंग टू तो मैसेज श्रुतेश कि मैं शायद हमें पोस्टपोन करना होगा हमारा शूट क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रैवल कर पाऊंगा इस सिचुएशन के अंदर और पता नहीं क्यों तीन दिन बीते तीन या चार दिन बीते होंगे और धीरे 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 मेरा दर्द खत्म होता गया मैं भगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर रहा था रणवीर कि मुझे ईश्वर के काम के लिए जाना है और भगवान मुझे इतनी शक्ति देना मैं ट्रैवल कर पाऊँ मेरा दर्द कम करने की ज़रूरत नहीं है मुझे मेरी पीड़ा को छीन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ट्रैवल करके वहाँ तक जाके आराम से मेरा जो एपिसोड शूटिंग वगैरह है मैं ख़त्म करके वापस आ, आ पाऊँ बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए कट टू चौथे या पाँचवें दिन पे सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी डॉक्टर ने एक पॉइंट पे आके कह दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इतनी जल्दी लोग एक महीने तक नहीं बैठ खड़े हो पाते बैठना तो दूर की बात है लोग खड़े तक नहीं हो पाते एक महीने तक लेकिन यही चीज़ जब आप डिवाइन रेलम की बात करते हैं ना जब डिवाइन एंटिटी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है आपके थ्रू कुछ कराना चाहती है तो ये होके ही रहेगा कोई नहीं रोक पाएगा ऐसे ही ये चीज़ हुई मुझे सबसे पहली बार क्रुतेश का फ़ोन आया मेरी उस टाइम पे साधना गुरु साधना चल रही थी स्वामी जी की मैं साधना कर रहा था और जैसे ही एटीनथ को मतलब दूसरा दिन था और नवरात्रि का पहला दिन था मेरी साधना शुरू हुई सेवनटीन्थ को एटीनथ को मेरे एजेंट का फ़ोन आया साहिल शर्मा का और एटीनथ को मुझे बोला गया साहिल ने मुझे बात करी कि परख एक शो की ऑफर आई है आप करना चाहते हो तो मैंने कहा उस टाइम पे बजे थे रात के बारह बजकर पाँच मिनट मेरी साधना ख़त्म होने के एग्जैक्ट पाँच मिनट के बाद मुझे ये फ़ोन आता है और फिर उन्नीस को क्षुतेश का मुझे फ़ोन आया दोपहर को जो मैं अनफॉर्चुनेटली उठा नहीं पाया था फिर शाम को उनके साथ बात हुई तो वो भी नवरात्रि का पहला दिन था जब मेरी साधना चल रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रणवीर जो आपकी समझ से बाहर होती है आपको ये लगता है कि मेरी साधना के दौरान मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ आ रही है क्यों इतना अनकम्फर्ट मुझे फ़ील हो रहा है मैंने जब अपनी ज़िंदगी में पहली एक कठोर साधना की थी वो 2015 में की थी और उस नवरात्रि की नौ दिन की साधना थी उस साधना में भी मैं फ्रूट्स के ऊपर था और कॉलेज कर रहा था इंजीनियरिंग मेरा चालू था इलेक्ट्रिकल मैं बड़ोड़ा में था और वडोदरा में आ, सुबह मेरी कॉलेज थी और शाम को आई वॉज़ डूइंग लाइक परफॉर्मिंग आर्ट्स में कर रहा था तो छः से लेकर ग्यारह बजे तक मेरा आ, ड्रामा चलता था पूरा थिएटर तो थिएटर से वापस आके बारह बजे के बाद मैं साधना करता था और मुझे सिर्फ सोने के लिए दो या तीन घंटे ही मिलते थे वो साधना ख़त्म होने के बाद मैं इतना गंदा बीमार पड़ा मेरी स्पाइन टूट गई और मुझे मतलब मेरा सर्जरी आई मेरा ऑपरेशन आया फिफ्थ मतलब उसमें स्पाइन में और उसके बाद मेरी राइटिंग जर्नी शुरू हुई पूरी दिशा ही बदल गई पूरा डिरेक्शन ही चेंज हो गया तो ये काफी बार होता है कि जब आपको जिंदगी में बड़ी समस्या आपकी जिंदगी में आए साधना के दौरान या फिर साधना के बाद तब आपको ये समझना चाहिए कि आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव भी आने वाला है मेरी जिंदगी में काफी बार ऐसी चीजें हुई तो देर आर मैनी थिंग्स कि आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन तब आपको इतनी सिर्फ चीज़ें दिमाग में रखनी है कि कुछ अच्छा होने वाला है बहुत जल्द कुछ बदलने वाला है कुछ इतना बड़ा परिवर्तन आने आने वाला है ज़िंदगी में जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी वॉट्स नेक्स्ट अभी आपके लिए अभी बस आई जस्ट वॉन्ट टू राइट बुक्स आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई साधना क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि लोग अवेयर uh, हो और आप तभी लोगों को साधना के बारे में बता सकते हैं जब आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो किसी एक्सपीरियंस के वक्त आपको डर महसूस हुआ नहीं डर नहीं महसूस हुआ लेकिन काफ़ी बार ये चीज़ महसूस हुई है कि मैं सही तो जा रहा हूँ ना क्योंकि बहुत बार एक ये सुंदर श्लोक आता है इसमें श्री सुक्तम में अश्वपूर्वाम रथमद्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रीयम देवी मुपह वये श्रीर्मा देवी जुझताम अश्वपूर्वाम साधक की अवस्था बताता है मेंटल कंडीशन बताता है कि जब आप साधना शुरू करते हैं ना तब आपको बहुत गुड़ी गुड़ी लगता है सब कुछ अच्छा लगता है बहुत क्योंकि अश्वपूर्वा मतलब घोड़े की पाँव की आवाज़ कैसी होती है तबड़क 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 वो एक रिदम जैसा लगता है आपको कि अच्छा मेरी रिदम सेट हो चुकी है आपको लगता है कि आई एम अ प्रो मैं प्रो बन चुका हूँ धीरे 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 आप आगे बढ़ते हो आपको पता चलता है आप नेक्स्ट अवस्था में पहुँचते हो रथ मध्यम जब आप रथ में बैठे हुए होते हो तब आपको ये लगता है कि मेरी मंजिल बहुत दूर है आप देखते रहते हो देखते रहते हो रास्ता कटता जाता है कटता जाता है लेकिन आपकी मंजिल आपके पास नहीं आ रही है आपको ये लगता है कि और कितनी देर है पता नहीं है फिर जाकर लास्ट जो अवस्था आती है जिसमें अच्छा ये मिडल की अवस्था में बहुत सारे साधक छोड़ देते हैं साधना क्योंकि बहुत सारे साधक को ये लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं कहीं पहुंच ही नहीं रहे कुछ हो ही नहीं रहा कुछ सिद्धियाँ ही नहीं आ रही है कोई दर्शन नहीं हो रहे कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा तो क्यों करें ये उस अवस्था में अगर आप डटे रहें तो जो थर्ड कंडीशन आती है वो है हस्तिनाद प्रबोधिन हस्तिनाद मतलब हाथी की दहाड़ की जो आवाज होती है ना वो कितनी प्रचंड होती है एक अगर हाथी दहाड़े तो पूरे जंगल में उसकी आवाज सुनाई दे इतनी बड़ी आवाज होती है उसकी ऐसे आपकी कुंडलिनी जागृत होती है फिर एक ही झटके में फिर लास्ट में हो जाती है सारी चीजें तो जो अवस्था में से आप फसार होते हो आप बीतते हो धीरे 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 आपको लगता है कि ओके नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है और फिर तुरंत एक चीज़ एक झटके में सारी चीज़ें हो जाती है यही चीज़ें आज के साधक सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं आज की तारीख में सारे जो मंत्र उपासक हैं या फिर तंत्र उपासक हैं उनको यही लगता है कि हम लोग करें लेकिन फलश्रुति क्या है उनको मुझे एक चीज़ करनी है और मुझे आई जस्ट मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर से मुझे ये चीज़ बतानी है कि करना पड़ेगा क्योंकि करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा अगर आपको आम कैसा लगता है वो आप चखोगे नहीं तो आम का टेस्ट नहीं पता चलेगा तो आप अच्छे फ्रूट से वंचित रह जाओगे दूर रहोगे आम खाना है तो आम को घर पे लाके छिलना पड़ेगा इसलिए साधनाएँ करना चाहता हूँ और जितनी भी अपने गुरु की कृपा मेरे ऊपर रही ओम स्वामी की जितनी भी कृपा रहेगी उतना मैं लिखना चाहता हूँ इसके बारे में तंत्र के बारे में अघोर के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराना चाहता हूँ इनके बारे में जो भी मिथ्स आज की तारीख में मतलब एग्जिस्ट करती है उन सारी मिथ्स को बस्ट करना चाहता हूँ यही एक गोल है मेरा जिंदगी में ओम भाई बस यही था आज का पॉडकास्ट जैसे कि मैंने पहले कहा आ, मैं आपसे मिलते रहूंगा जिंदगी में मुझे पता है जी थैंक यू भाई आ, इन दोनों पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे सीख के आ, मैं ये मानता हूँ कि देवता डेटीज ये चाहते हैं कि भारत में बदलाव आए अगले दस सालों में बिल्कुल कैपिटलिस्ट होने के कारण भी मैं ये सोचता हूँ कि भारत में बदलाव आने की ज़रूरत है पर एक स्पिरिचुअलिस्ट होने के कारण मुझे डेफिनेटली लगता है कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले आप जैसे लोग आ, इस स्पिरिचुअल स्टोरी को आगे लेकर जा रहे हैं यू ऑल द बेस्ट भाई एंड प्लीज टी पर लौट के आना थैंक यू और हम लोगों ने माँ को देवी माँ को इन्वोक किया था तो मैं पूर्णा होती करना चाहूँगा यस yes, भाई ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णमादाय पूर्ण हरिओम तो ये था पारक ओम के साथ हमारा एपिसोड नंबर टू पारक भाई कमेंट सेक्शन डेफिनेटली स्कैन कर रहे हैं तो अगर उनके लिए कुछ मैसेज है तो इस टी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनके लिए मैसेज टाइप आउट कर दीजिए डेफिनेटली वो टी पर लौट के आएंगे हम हमेशा अंतरा एक्सपर्ट्स ऑकल्ट एक्सपर्ट्स जैसे प्रोफाइल्स सीक आउट करते जा रहे हैं तो अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है इन डोमेन्स में डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइए वे ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर मोर भारतीय गेस्ट टी आर एस लॉट कराएगा रणवीर लॉट कराएगा और पारक ओम लॉट कराएंगे टी आर एस पर